जिनके खून में है देशभक्ति और अनुशासन, जो देते हैं डिसिप्लिन के साथ क्वालिटी एजुकेशन। पहला सवाल यही होता है कि एक आर्मी बैकग्राउंड और वहाँ से निकल के सीधे एजुकेशन की तरफ आना, इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो छत्तीसगढ़ से, जैसे ही बाहर गया मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, चूँकि वहाँ से आर्मी में भी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व रहता है, कोई भी चीज़ जो है सिखाई जा सकती है। रायपुर का पहला निजी मिलिट्री स्कूल जहाँ मिलती है सैनिक बनने की ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन की अगर हम बात करें आर्मी की सर्विस के बाद, तो शायद राजनांदगांव से आपने शुरुआत की। अगर आपको शुरुआती स्कूली के साथ साथ अगर ऐसी ट्रेनिंग मिलती है तो बच्चों के लिए मुझे लगता है कि आसान हो जाता है। राजनांदगांव से यहाँ तक के सफर में जैसे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अलग करने का मन था, तो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं, तो वो हमारा एक उद्देश्य है कि हम यहाँ के बच्चों को वो गाइडेंस दे सकें। सैन्य अधिकारियों की कुशल गाइडिंग, कोएड बोर्डिंग के साथ डे बोर्डिंग। प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? चूँकि आपका बैकग्राउंड ही रहा है वही आर्मी से आप रहे हैं, तो किन किन चीज़ों को शामिल करना है? मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए, इसमें जैसे हम इनिशियली जो बच्चे आते हैं इसमें हम एक कोशिश करते हैं कि 100% मेडिकली फिट बच्चे आएँ। वैसे तो हम NDA की तैयारी कराते हैं, साथ ही IIT नीट वगैरह के लिए भी हमने प्रावधान कर रखा है कि जो बच्चे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो बच्चे मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फौज में ही जाने के लिए बने हैं या जाना चाहते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सोशल सितारे कार्डिनल वॉरियर्स स्कूल विद जोश एंड होश के प्रेसिडेंट मेजर प्रवीण सिंह, एक्सक्लूसिव रविवार शाम 6:27 पर।